प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम मांग की कीमत लोच का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच के अंतर्गत मांग की कीमत लोच की परिभाषा, मांग की लोच के विभिन्न प्रकार का अध्ययन तथा मांग की लोच की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहां जानेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है, अर्थात कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग की लोच की पांच श्रेणियां होती हैं। पूर्णतः लोचदार मांग ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अधिक लोचदार मांग ईडी लेस देन वन, इकाई के समान लोचदार मांग ईडी इज इक्वल टू वन, बेलोच अथवा कम लोचदार मांग ईडी लेस देन वन, पूर्णतः बेलोचदार मांग ईडी इज इक्वल टू जीरो। पूर्णतः लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कहलाती है। इस प्रकार की मांग काल्पनिक है और व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती। इसे और अच्छे समझने के लिए हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे चित्र ओ एक्स पर रेखा की मांग की जाने वाली मात्रा को दर्शाया गया है, वस्तु की मांग की मात्रा, और ओ वाई रेखा पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। डी डी मांग रेखा है जो वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत ओपी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि वस्तु की मांग में क्यू वन अथवा क्यू टू लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे वस्तु की कीमत ओपी में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग में कभी वृद्धि हो रही है, कभी कमी हो रही है। इसी को हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसका सूत्र है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अर्थात पूर्णतः लोचदार मांग के अनुसार वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी उसकी मांग में अत्यधिक वृद्धि या अत्यधिक कमी होने को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। अत्यधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में अनुपात से अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में 15% कमी या वृद्धि होने पर मांग में 20% से अधिक वृद्धि या कमी होती है, उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे चित्र में ओपी कीमत पर ओक्यू वस्तु की कुल मांग है। ओपी कीमत पर वस्तु की ओक्यू कुल मांग है। अब यदि कीमत बढ़कर ओपी वन हो जाती है, अगर कीमत ओपी से बढ़कर ओपी वन हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम होकर ओक्यू वन रह जाएगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वस्तु की मांग की मात्रा OQ1 रह जाएगी, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कीमत कम होकर OP2 हो जाती है, कीमत कम होकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़कर OQ2 हो जाएगी। ये यहाँ पर अर्थात कीमत
कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। मांग का नियम क्या कहता है? कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। इन तीनों बिंदुओं को जिस रेखा से जोड़ा जाएगा उसे हम मांग रेखा कहेंगे, जिसको हम डीडी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है ईडी ग्रेटर देन वन, अर्थात वस्तु की कीमत में 15% परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में 20% परिवर्तन होता है तो उसे हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। आप यहाँ देख रहे रेखा चित्र में, यहाँ पे वस्तुओं के बीच जो बिंदुओं हैं उनके बीच में अंतर काफी कम दिखाई दे रहा है, जबकि वस्तु की कीमत की तुलना में वस्तु की मांग की मात्रा में अंतर अधिक दिखाई दे रहा है। अर्थात वस्तु की कीमत में केवल 15% की परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में 20% कम या अधिक वृद्धि होगी तो हम उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। इकाई के समान लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है उसे इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि या कमी हो जाए और उसकी मांग में भी 25% वृद्धि या कमी हो जाए तो उसे इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। जैसे चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की मूल मांग OQ है, इसी प्रकार यदि वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ से कम होकर OQ1 रह जाती है। आप देख रहे हैं वस्तु की कीमत पहले OP थी, अब बढ़कर OP1 हो गई, और वस्तु की मात्रा OQ थी वो घटकर OQ1 हो गई, क्योंकि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। यदि कीमत OP से घटकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़कर OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत में कमी आने पर वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम तीनों बिंदुओं को जिस रेखा से जोड़ेंगे उसे मांग रेखा कहते हैं, और ये मांग रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इसका सूत्र ED=1 होगा, अर्थात वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि अथवा कमी होने पर भी वस्तु की मांग की मात्रा में 25% की कमी या वृद्धि होगी, अर्थात दोनों में बराबर का संबंध होगा, इसलिए ED=1 होगा। इसी को इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। बेलोच अथवा कम लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उसको बेलोच अथवा कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि या कमी हो और उसकी मांग में भी 15% वृद्धि या कमी हो जाए तो उसे इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। जैसे चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की मूल मांग OQ है, इसी प्रकार यदि कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, कीमत बढ़कर अगर OP1 हो जाती है और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम होकर OQ1 रह जाती है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो रही है। अब यदि कीमत कम होकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़कर OQ2 होगी, OQ2
वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, कीमत कम होने पर वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, जिसको हम B2 पॉइंट से दर्शाएंगे और हम तीनों रेखा को जोड़ेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये रेखा एक पड़ी हुई सी खड़ी सी एकदम ज्यादा खड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है। बेलोच अथवा कम लोचदार मांग का सूत्र ED लेस देन 1 होगा, अर्थात वस्तु के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि होती है, अर्थात मूल्य घटता है 25% या बढ़ता है, और मांग में होने वाला परिवर्तन वस्तु के मूल्य की तुलना में 25% कम होगा या अधिक होगा, तो उसे हम बेलोच अथवा कम लोचदार मांग कहेंगे। इसलिए ED लेस देन 1 होगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो उससे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे चित्र में वस्तु की कीमत में व्यापक परिवर्तन होने के बावजूद, अर्थात कीमत के OP से बढ़कर OP1 अथवा OP2 होने के बावजूद मांग की रेखा अपरिवर्तित रहती है, जैसे OQ पर मांग रेखा एक खड़ी समान रहती है, उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें वस्तु की कीमत में लगातार परिवर्तन होने, वस्तु की कीमत के कम होने अथवा वस्तु की कीमत के अधिक होने के बावजूद मांग रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मांग रेखा OQ पर स्थिर रहती है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसका सूत्र ED बराबर 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत के बहुत अधिक परिवर्तन होने के बावजूद वस्तु की मांग रेखा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होना, उसे ही पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं।